युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। 25,000 का था इनामी। हुजूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मामा के यहां रह रही 21 वर्षीय युवती अपने गांव जरवल रोड क्षेत्र में ऑटो से जा रही थी। युवती को केसरगंज क्षेत्र से झांसा देकर शहर लाया गया और रोडवेज बस अड्डे के निकट से युवती को ऑटो चालक अपने सहयोगी की मदद से सलारगंज मोहल्ले की तरफ ले गया। यहां पर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। एसपी प्रशांत वर्मा ने शुक्रवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया, युवती को झांसे में रहकर उसे शहर लाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके पश्चात युवती को छोड़कर फरार हो गए थे। एसपी ने बताया, शहर के दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला सलारगंज हसन नगर निवासी सोनू और पचासा पुत्र अली हसन ने चालक के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था। ऑटो चालक को पुलिस ने 3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर था। एसपी ने बताया कि आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। शुक्रवार सुबह उसे नेपाल सीमा से अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी, सीओ सिटी राजीव सिसोदिया की देखरेख में एसओजी प्रभारी राजकुमार पांडे और कोतवाल नगर की टीम ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। त्रिनेत्र अभियान से मिली सफलता। एसपी ने बताया कि गैंगरेप की वारदात ब्लाइंड था, लेकिन इसमें जगह जगह से लिए गए सीसीटीवी फुटेज में जांच और आरोपी की गिरफ्तारी में सफलता मिली। उन्होंने बताया, आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को इनाम दिया जाएगा। जनपद बहराइच में दिनांक 17/11/2023 की 16/17 की रात को एक घटना हुई थी, जिसमें एक युवती को एक दो ऑटो चालकों ने बहला फुसला करके जो है उसको एक होटल में कमरा दिलाने के नाम पर अपने घर लेके चले गए और वहां पर दुष्कर्म किया था। इस संबंध में एक आरोपी को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरे आरोपी को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस आरोपी का नाम सोनू और पचासा पुत्र अली हसन है और इसे जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर, जिस स्थान पर इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, क्या वहां कोई कार्रवाई की? निश्चित रूप से हम इसको चेक करा रहे हैं कि वहाँ पर उसकी वैधता क्या है, और अगर कुछ अवैधानिक कार्य मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।